गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर को पेज नंबर 25 से पढ़ेंगे। आई वुड ऑफन प्लीट विद इरू, टेल मी वेयर द पैलेस इज। मैं अक्सर इरू से विनती करता या कि मुझे बताओ कि महल पैलेस जो है वो कहाँ है। सी वुड ओपन हर आईज वाइड एंड टेल मी दैट इट वॉज राइट देयर इन द हाउस। वह अपनी जो खुली आंखें कर लेती और मतलब आंखें अपनी चौड़ी कर लेती और कहती कि ये घर में ही था। आई वुड गैप एंड से इन दिस हाउस सो मी वेयर इट इज। मैं उसे घूरता और कहता कि इस घर में मुझे दिखाओ कहाँ है। वर्ड सी ऑलवेज सेड यू कॉन्ट सी इट अनलेस यू नो द मैजिक वर्ड्स। लेकिन उसने हमेशा कहा कि आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक आपके पास कोई मैजिक वर्ड ना हो, जादू वाले शब्द जो होते हैं वो ना हो। आई यूज टू वेग हर, मैं हमेशा उससे विनती करता। देन टीच मी द मैजिक वर्ड्स, तब तो मुझे वे मैजिक वर्ड हैं जो जादू के शब्द हैं वो सिखाओ। प्लीज आई गिव यू दैट शी शैल विच आई हैव। तो मुझे वो जादू के मंत्र बताओ, फिर भी मैं जादू के शब्द है ना, कृपया मुझे जो मेरे पास, प्लीज करके वो बोलती है कि मुझे बताओ कि जादू के मंत्र कौन से हैं। तो मैं मेरे पास जो समुद्र की सीप है वो है, वो मैं आपको दे दूंगा। सी वुड रिफ्यूज, वह उसने मना कर दिया। इट इज फॉरबिडन टू टेल देम टू एनीवन, यह है मतलब देने के लिए उसने मना कर दिया और बताया कि उसने कहा कि उन्हें किसी को बताने से जो मैजिक वर्ड है वो मना है, मतलब किसी को वो बता नहीं सकते जादू के मंत्र। वाई वॉट विल हैपन इफ यू टेल मी, आई वुड आस्क हर। क्यों, क्या होगा अगर तुम मुझे वे मतलब जो मंत्र है जादू के वो बता दोगी, मैं उससे पूछता। वट सी वुड ओनली गैस्प ओ गॉडनेस मी, लेकिन वह मुझे केवल आश्चर्य से या हाफती हुई देखती और कहती कि ओ गुडनेस मी, कि मतलब मेरी जो अच्छाई है। आई नेवर फाउंड आउट वॉट वुड हैपन इफ सी टोल्ड मी द मैजिक वर्ड्स, बट हर एटीट्यूड मेड मी शडर। मुझे कभी नहीं पता चला कि अगर उसने मुझे ये जादू के शब्द बताए तो क्या होगा, लेकिन उसका जो इस तरीके का एटीट्यूड था, जो रवैया था, वो मुझे क्या करता, कपकपी सी दे देता, झकझोर देता, यानी कि मुझे। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन आई डिसाइडेड टू फॉलो हर टू फाइंड आउट अबाउट द पैलेस व्हाट सी सीम्ड टू गो देयर ओनली व्हाइल आई वॉज एट स्कूल। एक दिन मैंने पैलेस के बारे में जानने के लिए उसके पीछे जाने का डिसाइड किया, लेकिन वह मुझे स्कूल जाने के ही दौरान वहां जाने लगी। जब मैं स्कूल चला जाता था तब वह वहां जाती थी।
आई आस्क्ड हर वंस वाई शी कुडंट गो टू दैट पैलेस एट एनी अदर टाइम व्हाट शी ओनली सेड ओ गुडनेस मी। मैंने उससे एक बार फिर पूछा कि किसी भी समय मतलब उस महल में क्यों नहीं जा सकती, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा ओ गुडनेस मी। आफ्टर दैट आई वॉज टू स्केयर टू आस्क हर एनी मोर। उसके बाद मैं उससे कुछ भी पूछने से डरने लगा। वन डे व्हेन आई हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल सी ब्लर्टेड आउट यू वुडंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटा तो उसने कहा कि आज जो हुआ तुम उस पर बिलीव नहीं करोगे। व्हाट आई आस्क्ड हर ऑल एक्साइटेड। क्या मैंने उससे पूछा, सभी एक्साइटेड हैं। एंड शी ओनली रिप्लाइड आई शैल नॉट टेल यू। और उसने केवल यही रिप्लाई दिया कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। आई सपोज इट वॉज द बेस्ट दैट वे आई नेवर गॉट टू नाउ व्हाट हैपन्ड सो आई कुड गो ऑन ड्रीमिंग अबाउट द किंग्स पैलेस एंड इट फंटास्टिक थिंग्स। मुझे लगता था कि ये सबसे अच्छा तरीका था कि मुझे कभी नहीं पता लगता कि ये क्या हुआ, इसलिए मैंने राजा के महल और उसकी जो शानदार चीजें थी उसके बारे में सपने में देख सकता था कि मतलब ये ऐसे तो ले नहीं जाएगी, तो सपने में इसको फंटास्टिक थिंग्स। शी वुड गो ऑफ टू द हरीश कैरी फील्ड्स व्हेन आई वाज स्लीपिंग ए विंग्ड हॉर्स गैज्ड इन द मीडोज देयर एंड टूक अवे एनीवन हु केम देयर अप इनटू द क्लाउड्स। जब मैं सो रहा था तब उसने जल्दी जल्दी से मतलब अपने फील्ड्स में चली गई। एक जो पंखों वाला एक हॉर्स था वहां घास के मैदान में चरता था, जो और कोई भी वहां आता उसको वो क्लाउड्स मतलब बादलों में ले जाता था। अब हम आगे इसको नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। थैंक यू।